हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस सोया चिली। सोया चिली बनाने के लिए गाइस मैंने न्यूट्री निगेट जिसको सोयाबीन की परी बोलते हैं तो उसको मैंने बॉइल कर लिया है। बॉइल करने के बाद इसका पानी इस तरीके से दबा के निकाल दिया है। तो गाइस ये बॉइल हो चुकी हैं। अब इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए टमाटर के पीसेस, बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी जो मैंने काट के छोटे छोटे पीसों में इस तरीके से धो लिए हैं, और धोने के बाद डलची में रख लेंगे और इसका पानी अच्छे से निकल जाए। मैंने लिया है सोया सॉस, चिली सॉस, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, टमाटो सॉस। चलते हैं गैस गैस की तरफ। पूरी वीडियो गैस देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ सोया चिली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। गैस को ऑन करेंगे। फिर रखेंगे नॉन स्टिक कढ़ाई, इसको गरम करेंगे। इसमें डालेंगे गैस एक चम्मच ऑयल, ऑयल को गरम करेंगे। जो मैंने लिया है प्याज और बारीक कटा हुआ लहसुन ये डाल देंगे, इसको चलाएंगे। इसको गैस ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है ना ही इसको जलाना है, बस हल्का सा प्याज का पानी जल जाए इस तरीके से हल्का सा प्याज ऑयल में फ्राई करना है बस। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। मैं डाल देंगे गाइस स्वाद अनुसार नमक। एक चुटकी टर्मरिक पाउडर और इसको इस तरीके से प्याज, नमक डालने से गाइस टमाटर जल्दी पक जाता है। टमाटर फ्राई हो चुका है, अब जो मैंने लिया है गैस पत्ता गोभी, पत्ता गोभी इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे। इसको गाइस ढक देंगे। और इसको दूसरी गैस पर रख देंगे। अब इस पर तवा रखेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें जो न्यूट्री निगेट लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको गुलाबी कर लेंगे। कढ़ाई को गैस दूसरी गैस पर रख दिया है लो फ्लेम करके। कढ़ी को इस तरीके से गुलाबी कर लेंगे, ये अच्छे से पक जाएंगे। इसमें एक चुटकी नमक ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे। एक थाली से इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गया है, इसको हटा लेंगे, इसको चलाएंगे। तो परी पक गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं गुलाबी हो गई है। इसको हटा लेंगे।
वापस कढ़ाई इस गैस पर रखेंगे और इसको देखेंगे खोल के, इसको चलाएंगे। पत्ता गोभी हल्की सी पक गई है गैस, उसको मैंने 5 मिनट के लिए दूसरी गैस पर रख दिया था। पत्ता गोभी सॉफ्ट हो जाती है। अब जो निटनी गेट की जो बरी है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे। डालेंगे सोया सॉस 2 टीस्पून, चिली सॉस 2 टीस्पून, विनेगर 2 टीस्पून, टमाटो सॉस 1 टीस्पून, चलाएंगे। एक चुटकी गरम मसाला, आधा टीस्पून से कम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, एक चुटकी चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक जो मैंने पहले भी डाल दिया था। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको चलाएंगे। आमचूर पाउडर आधा टीस्पून, वापस गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो गाइस 10 मिनट हो चुका है, गैस को मैंने लो फ्लेम पर कर दिया था। अब इसको खोल के देखेंगे तो जो पकौड़ी होती हैं सोयाबीन की परफेक्ट बन के तैयार हो गई हैं, और दबाएंगे तो ये सॉफ्ट हो गई हैं इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से आप सोया चिली बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है, और नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा क्या कहने, और चाय के साथ खाइए। आप इसको सर्व कर लेंगे, गैस बन के तैयार हो गया है। तो ये रहा गैस सोया चिली। गैस को ऑफ कर देंगे और सर्व करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सो गैस सोया चिली बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से गैस आप बनाइए और खाइएगा। तो गैस आपको सोया चिली की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गैस मॉकमिनिटी ऑसम में एक नया चैनल जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो गैस आपको सोया चिली की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।